हेलो एवरी वन सो वेलकम बैक टू द चैनल सो मैंने आपको बोला था कि मैं कुछ दिनों में अपना एक्सपेक्टेड स्कोर एंड ये सब शेयर करूँगी एंड uh, मैंने एक वीडियो भी बना दी थी जिस दिन मेरा एग्जाम था मैंने वहाँ उस दिन आकर भी एक वीडियो रिकॉर्ड की थी uh, सब एक्सपीरियंस बताया था एंड ऑल लेकिन अभी मेरा कुछ मन नहीं करा उसको अपलोड करने का आई डोंट नो वाई क्योंकि उस टाइम पे कट ऑफ की इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी बट अब जो है ना बहुत ज़्यादा डाउटफुल है इतनी ज़्यादा मतलब रेंज जा रही है कुछ कह रहे हैं सेवेंटी फाइव ही रहेगा पिछले साल जितना और सेवनटी फाइव से एटी रहेगा कुछ कह रहे हैं नहीं हंड्रेड प्लस भी जा सकता है तो खुद ही देख लो कितनी ज़्यादा रेंज लाइक सेवेंटी फाइव टू हंड्रेड अब सेवेंटी फ़ाइव मुझे पता है कि इतना कम नहीं जाएगा बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि एटी फाइव नाइन्टी यहाँ तक जा सकता है लेकिन वी ऑल नो यू पी एस सी इज़ अनप्रडिक्टेबल पी एस सी तो कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमें जो भी ये कट ऑफ वगैरह ये सब एग्ज़िट पोल की तरह होते हैं कुछ गिने चुने बच्चों के बेसिस पे द रियल रिज़ल्ट आएगा उसमें सी सेट की बहुत ज़्यादा अहमियत है उसके बाद फर्स्ट पेपर सी सेट और बच्चों ने कितना किया है क्या नहीं मतलब एक्चुअल डाटा तो यूपीएससी के पास ही है और आंसर कीज में मे बी हम यहाँ पे कुछ आंसर्स बना रहे हैं यूपीएससी में कुछ और ही आंसर्स हों तो उस वजह से अभी थोड़ा सा डाउटफुल है क्योंकि पहले दिन मैं आई ना तो मेरे को लगा इतना स्कोर स्कोर बन रहा है तो मुझे लगा कि अच्छा स्कोर है हो जाना चाहिए लेकिन अभी अभी के हिसाब से आई एम डाउटफुल बट ठीक है टेंशन नहीं लेनी है और मैं ले भी नहीं रही हूँ मेरे को ऐसे पता है कि मेरे हाथ में जो चीज़ थी मैंने कर दी अब बस भगवान के ऊपर है अगर होना होगा तो एक नंबर से भी हो जाएगा नहीं होना होगा तो फिर नहीं बस यही कहना था आपको और अच्छा मेरा स्कोर तो मैंने ना चार पाँच इंस्टीट्यूट से चेक की है और मेरा स्कोर बन रहा है सबसे लोएस्ट एक में बना था 88 मैक्सिमम में बन रहा है 93.3 और एक में बना 96 तो बस यही स्कोर है मतलब 88 से 96 की रेंज में है एंड uh, मैक्सिमम में 93.3 बन रहा है बट वी डोंट नो कि यू के आंसर की क्या होगी उसमें क्या स्कोर बनता है प्लस कट ऑफ क्या होगा अगर इस रेंज में होता है मतलब मेरा ऐसा है कि ज़्यादा कम भी नहीं है ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं है तो लाइक आई डोंट नो कि होगा कि नहीं मतलब इतना भी पता है कि मतलब ऐसे चांसेस हैं दोनों चांसेस हैं हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है तो लेकिन अभी मेरा फ्यूचर मतलब मैंने आगे क्या प्लान सोचा है तो क्योंकि हम रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं है हमारे हाथ में होता है बस मेहनत करना तो मैंने अभी क्या सोचा है कि इस संडे को मेरा एक एग्जाम है जो कि मैंने कल से प्रिपेयर करना था बट बिकॉज ऑफ दिस कट ऑफ एंड ये सब की इतना मेरा दिमाग इसमें इन्वॉल्व था कि मैंने पढ़ा ही नहीं कल एक दिन वेस्ट कर दिया बट आज से मुझे वापस से प्रॉपर स्टार्ट करना है इसके लिए भी संडे तक मैं पढ़ूंगी उसके बाद मंडे को एक दिन ब्रेक लेके फ्रॉम ट्यूजडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद मेंस प्रिपरेशन मैंने एक बैच भी ज्वाइन किया है वो मैं आपको बताऊंगी आगे आने वाली वीडियोस में कि कौन सा बैच ज्वाइन किया है तो क्योंकि एनी हाउ रिजल्ट जो भी हो हमें मेन्स की प्रिपरेशन ही करनी है तो बस करते हैं ना अच्छे से सोच कर क्यों सोचना है क्यों रखना है कि रिजल्ट कैसा रहेगा नेक्स्ट ईयर भी तो देना है ना या फिर स्टेट बी भी तो देना है ना तो उसके हिसाब से चलते हैं बाकी भगवान के भरोसे जो होगा किस्मत में मेहनत हो गई अब उस पर लक आ गया किस्मत आ गया अगर होगा तो होना होगा तो हो जाएगा नाइन्टी थ्री पर भी नहीं होना होगा तो भाई फिर वो नाइन्टी सिक्स पर भी नहीं होगा तो देखते हैं बाकी आपको जब तो रिज़ल्ट आएगा तो सब पता चल ही जाएगा बाकी ऑल द बेस्ट सबको खुश रहो अपनी मेहनत करो रिजल्ट की चिंता मत करो टेंशन मत लो लिव इन द मोमेंट बाय बाय वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड अब स्टडी व्लॉग्स भी आएंगे लाइव स्टडी सेशंस भी होंगे हुआ करेंगे एंड uh, बस अपने कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे हम रिजल्ट्स जो भी हो हमें अपनी मेहनत पूरी करनी है अपनी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है दिस टाइम मैंने कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ा था तो आई डेफिनेटली सी द रिजल्ट्स मेरे को देखा कि पेपर में मैं कर पा रही थी पेपर बहुत से क्वेश्चन मुझे आते थे मैंने अच्छे से पढ़ा था इसीलिए आते थे वरना नहीं आते तो अपनी मेहनत पर विश्वास रखो ओके okay, बाय